जिंदगी उत्साह के साथ जीनी चाहिए। बहुत सी बार इंसान घबरा जाता है, वो घबरा जाता है कि पता नहीं क्या होगा, एक छोटा सा वाक्य है, एक दादाजी थे और एक उनका पोता था, तो दोनों बाग बगीचे में बैठे हुए थे, तो दादाजी बड़े अफसोस में बैठे थे, मुंह पर सैडनेस, जैसे घबराए हुए हों। तो उनके पोते ने दादाजी से कहा, दादाजी आप इतने आज मायूस क्यों लग रहे हो? तो दादाजी ने कहा कि मुझे फिक्र है कि आगे क्या होगा। तो पोते ने कहा कि आप फिक्र क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे फिक्र आगे का इसलिए क्योंकि पीछे चीजें ठीक नहीं थी। हम लोग या तो आगे की फिक्र करते हैं या पीछे जो है उस ओर ध्यान देते हैं, जो अब हो रहा है उस ओर ध्यान देते नहीं। ये जो अब का क्षण है, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट मोमेंट कहा जाता है, प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट, एक तोहफा है जो प्रभु ने हम सबको दिया है, इसमें अगर हमने अपना ध्यान फ्यूचर की ओर करा, आगे की ओर करा, या पीछे की ओर करा, पास की ओर करा, तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ये भी पास बन जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो सन्मत के रास्ते पर महापुरुष बार बार समझाते हैं कि लिव इन द करंट मोमेंट, कि आप इस क्षण में जिए। इस क्षण में कैसे जिए? हंस के, रो के नहीं, मुंह बना के नहीं, घबरा के नहीं, मुंह पर जैसे बड़ी मुसीबत पड़ गई ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं, हम उन चीजों से घबराते हैं जो असल में होती नहीं। ज्यादा लोग दुखी क्यों हैं? वो सोचते हैं हमारे शरीर में तकलीफ होगी तो हमें बहुत तकलीफ होगी, अगर पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, गाल ब्लैडर में स्टोन है, लंग्स में तकलीफ हो गई, एक आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो हम सोचते हैं मुसीबत आ गई और हम घबरा जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि शायद वही तकलीफ हमारे कर्मों को काट रही है। ये भूल जाते हैं कि शायद उस तकलीफ में से जाकर ही हम असलियत को पा सकेंगे, लेकिन जब तकलीफ हमें आती है या तकलीफ में से हम गुजर रहे होते हैं, तो उसको सही जाने बगैर, पहचाने बगैर, उसके रंग में हम रंगे जाते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि तकलीफें जिंदगी का हिस्सा है, हर एक की जिंदगी में ऊंच नीच आएगी। कोई तो समय आएगा कि जब सिरदर्द आपको हो ही जाएगा। सहजो भाई की जिंदगी का एक वाक्य है कि उनका एक मित्र था, तो एक दिन वो जब उनको मिलने आया तो उसने माथे पर पट्टी बांधी थी। तो उन्होंने उसे पूछा कि ये पट्टी तुमने क्यों बांधी हुई है? तो उनका, मुझे आज बहुत सिर दर्द हो रहा है। तो वो हंसना शुरू हो गई। तो कहा, तुम हंस क्यों रही हो? तो कहते, रोजाना जब खुश होते तो खुशी की कभी पट्टी बांधी सिर पर? जब यहाँ पे लड्डू खाते हो, वहां पे बर्फी खाते हो, वहां पे रसगुल्ला खाते हो, कभी क्लास में फर्स्ट आ जाते हो, कभी तुम्हारे बच्चों की शादी होगी, कभी उनके बच्चे हो गए, जब अच्छी चीजें हो रही हैं, उन दिनों में कोई पट्टी बांध के आते हो? तो इतने क्षण जिंदगी में होते हैं, जब प्रभु को देते हैं तो उनको याद करते हो। तो आज थोड़ा सा सिरदर्द नहीं हुआ तो पट्टी भी बांध ली और रोना पीटना भी शुरू कर दिया। तो हमें किस किस्म की जिंदगी जीनी चाहिए, ये हम
जब महापुरुषों की ओर देखते हैं, उनकी जिंदगी को जानते हैं, पहचानते हैं, हिस्ट्री में जब जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम इंसानों ने महापुरुषों को कितनी तकलीफ दी। किसी को तो तत्ते तवे पर बिठाकर उनको गर्म रेत उनके ऊपर डाल दी, किसी को क्रॉस के ऊपर नेल कर दिया, किसी को एक तकलीफ दी, किसी को दूसरी दी, किसी को बंद करके उनको जलाने की कोशिश करी। लेकिन उस समय उन्होंने क्या कहा? जब जीसस क्राइस्ट को नेल किया गया क्रॉस पर, तो उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि इन इंसानों को मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं, तो आप इन्हें पनिश मत कीजिएगा। जब गुरु साहब के ऊपर तत्ती रेत डाली गई, तो उनके दोस्त मियां मीर थे, उन्होंने कहा कि आप मुझे कहिए, मैं इनको सबको खत्म कर दूं। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, तो तुम क्या समझते, मैं खत्म नहीं कर सकता, बट ये हमारा रास्ता नहीं है, हमारा रास्ता प्यार का रास्ता। हमें ये जानना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत खुश है, हमें चाहे वो समझ में ना आए। अगर खुश ना होते तो हमें कीड़े मकोड़े या किसी और में ना भेज देते। कुछ तो हमने अच्छा ही करा जो हमें मानव चोला मिला है, 84 लाख जिया जून में सबसे बेस्ट एग्जिस्टेंस, सबसे अच्छा चोला ये मानव चोला है, और ये पिता परमेश्वर की रजा में मिला, उनकी मर्जी से मिला, उन्होंने हमें दिया है, और इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज, उनको जब भी कोई अपने जन्मदिन पर कहता था कि मेरा जन्मदिन है, तो उसे बड़े प्यार से समझाते थे कि जन्मदिन के दिन इंसान क्या होता है, बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसे पता है सब कोई मुझे गिफ्ट देगा, कोई मेरा केक काटेगा, एवरीवन इज गोइंग टू विश मी हैप्पी बर्थडे, तो इंसान बड़ा खुश होता है। तो वो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि रोजाना जब आप सोते हो तो आपको मालूम नहीं कि आप उठोगे कि नहीं उठोगे। कितने लोग ऐसे होते हैं जो सोते 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 ही चल बसते हैं। तो फरमाते हर रोज सुबह जब आप उठो आप सोचो मेरा बर्थडे है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने फिर एक और दिन दे दिया जीने के लिए। हम सब की जिंदगी कितनी लंबी है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन उस पिता परमेश्वर को मालूम है। तो वो फरमाते हर दिन इंसान ऐसे जिए जैसे उसका जन्मदिन हो, और जैसे हम जन्मदिन के दिन खुशियों से जीते हैं, ऐसे ही रोजाना हमें जो कुछ करना है वो उस तरीके से करना है। और अगर हमें ये लगे कि आज अगर सोए तो कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, तो हम क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही सोचेंगे ना, जो करने के लिए प्रभु ने यहां भेजा उसको पूरा करें। अगर ये पता लगे कल छुट्टी हो जानी है, कल आना ही नहीं, वापस उठना ही नहीं, और अगर काम पूरा नहीं करा तो वो अच्छा काम नहीं, तो काम क्या करने के लिए प्रभु ने भेजा इधर? सबसे पहले तो अपने आप को सही रूप में जानने के लिए, कि हम जाने कि हम हैं कौन, कहां से आए, कहां जाना है, क्या हमारा मकसद है। हम तो सोचते हैं ना, हम हिंदू हैं या हम सिख हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं या किसी और जाति कौम के हैं, या हम सोचते हैं हम पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, या सोचते हैं हमारा काम जैसे हम वैसे ही हैं, कुछ सोचते हैं मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं, अकाउंटेंट हूं। लेकिन क्या ये हमारा असली रूप है? तो असलियत में क्या है वो जानने के लिए प्रभु ने ये शरीर दिया। तो सबसे पहला मकसद तो जिंदगी अपने आप को जानना, और जब ये समझ आएगी कि हम हैं कौन, तो फिर हमने करना क्या है, जिंदगी का ध्येय क्या है, एम लाइफ का क्या है, उस और कदम बढ़ाना। तो सबसे पहले अपने आप को हम जाने कैसे,
शीशे में तो रोज अपने आप को आप शक्ल देखते हो, बाल भी बनाते हो अपना और बाकी जो कुछ भी करते हो, आप तैयार होते हो तो एक शक्ल देखते हो और वही समझ बैठते हो कि वही मैं हूं। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ल जैसा कोई है नहीं और आपकी नजरों में उस शक्ल से इंसान कोई और बेहतर है ही नहीं। हर एक इंसान सोचता है मुझसे ज्यादा ना कोई बेहतर है, ना कोई अच्छा है, ना कोई तंदुरुस्त है, ना कोई ठीक ठाक है। और जो हम शीशे में देख रहे हो क्या दिख रहा है? मेरा भारी आकार, भारी रूप। अब इस रूप को जब हम देखते हैं और औरों के भारी रूप को देखते हैं तो हर एक चीज अलग 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 दिखाई देती है। तो फिर हम द्वैत की जिंदगी में जीना शुरू हो जाते हैं कि हम एक किस्म के हैं, कोई और दूसरी किस्म का है, वो तीसरी किस्म का है, वो चौथी किस्म का है, वो पांचवी किस्म का है। क्योंकि देखने के तरीके भी अलग, बोलने के तरीके भी अलग, चीजें करने के तरीके भी अलग अलग। तो जिंदगी इंसान जीनी शुरू कर देता है कि ये मेरा है, ये तेरा है। और घर में भी जब हम जीते हैं, जैसे एक दो तीन बच्चे घर में हो तो माँ बाप बोलेंगे ये इसके खिलौने है, इसका कमरा है, ये इसकी चीज है, ये इसकी चीज है। तो शुरू से दीवारें बननी शुरू हो जाती हैं। माँ बाप समझाते हैं कि सबसे पहले तो जानना है कि हम हैं कौन, और अगर बाहरी रूप तक ही रह गए तो असलियत हमें समझ नहीं आएगी। तो गुरबानी में आया कि एक पिता एकस के हम बारक, कि एक पिता परमेश्वर है, उसी की हम संतान है। और सबसे पहले तो ये अनुभव करना कि हम सब एक हैं, वो बहुत जरूरी है। वो अनुभव कैसे होगा? अगर हम मन इंद्रियों के घाट तक ही रहे, अगर शारीरिक रूप तक ही रहे, तो फिर तो सब चीजें अलग 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 दिखाई देती हैं। इससे हमें ऊपर उठना होगा। अगर शरीर में रहते हुए शरीर के दुखों को अपना दुख समझ बैठे तो फिर हम कुछ पा नहीं सकेंगे। बार 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 माँ पुरुष हमें समझाते हैं कि चाहे हम जितना मर्जी सोचें कि तकलीफें हमारे अंग संग हैं, कि एक प्रोटेक्शन, एक सहारा हम सबको मिला हुआ है। वो सहारा प्रभु का सहारा है। वो सहारा ऐसा है जो कि गर्मी में सर्दी कर देता है, सर्दी में गर्मी कर देता है, ताकि हम एयर कंडीशन रहें। आजकल आप लोगों ने घरों में एयर कंडीशन क्यों लगाए हैं? कि जब गर्मी ज्यादा हो तो वो ठंड कर सके, अगर ठंड ज्यादा हो जाती है तो वो गर्मी कर सके। तो हम एयर कंडीशन अवस्था में रह सकते हैं ताकि जो हमें ये तकलीफें हो रही हैं तकलीफ ना दें। अब एयर कंडीशन तो अभी आए हैं, पिछले हिंदुस्तान में तो 40-50 साल में ही आए, इलेक्ट्रिसिटी को आए खाली 200 साल हुए हैं, और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कई सौ साल पहले ये लिखा है। इंटरेस्टिंग है कि संत महापुरुष जो लिख जाते हैं वो तब तो सच होता है, सदा सदा के लिए सच रहता है, और ऐसी चीजों को इंडिकेट कर जाते हैं जो उस वक्त होती भी नहीं। तो वो फरमाते कि तत्ती वाउ ना लग गई पार भ्रम शरणाई। वो कह रहे जो पिता परमेश्वर की शरण में पहुंच गया उसको गर्म हवा लग ही नहीं सकती, उसकी जिंदगी एयर कंडीशन्ड हो गई। उनको मालूम था इतने साल बाद एयर कंडीशनिंग आएगी तो मैं पहले लिख जाऊं ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ये तो वो जमाना जहां लू चलती है, गर्म गर्म हवा चलती है, गर्मी इतनी लगती है कि समझ नहीं आता आदमी जिए ना, और गर्मी सहन नहीं होती, कोई वो पानी छिड़क रहा है, कोई किसी तरीके से सो रहा है, मैं कहीं बाहर ठंडक में जाऊं, कोई बर्फ की सिली ला के रखता था उन दिनों में ताकि ठंडक आए। कि जो प्रभु की शरण में आ गया उसको कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तत्तीवाओ का मतलब जिन तकलीफों में हम गिर जाते हैं, अगर अपने आप को देखो तो इंसान के जो बर्थ ही है वही कितनी तकलीफों का होता है। 9 महीने के लिए तो बच्चा माँ के घर में रहता है, फिर जब वो बाहर आता है और फिर अगर रोता नहीं तो उसको थप्पड़ मारा जाता है कि भी रो,
क्यों? क्योंकि लगता है अगर रोया नहीं तो इसके लंग्स पता नहीं वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो पूरा एटमोसफियर इस किस्म का, जिसमें कि आते सार ही वो ऐसी अवस्था में पहुंचा जहां वो कर नहीं कुछ पा रहा। तो यहां पर गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि हम ये ना जाने, ये ना सोचें कि तकलीफें अगर आएंगी तो उनमें हम गिर जाएंगे उनसे। हम जाने कि पिता परमेश्वर का सहारा, उनका हाथ हमें इस भव सागर से पार करा देगा। क्यों? क्योंकि क्या हमारे कर्म है वो हमारी जानकारी नहीं, कितने कैसे कट रहे हैं उसकी भी हमें समझ नहीं, और हर एक चीज को यही समझना चाहिए प्रभु की देन है ही उन्हीं की देन। हमारे लिए क्या बेहतर है हमें मालूम नहीं, लेकिन उस पिता परमेश्वर को मालूम है, उसको मालूम है इसके लिए क्या अच्छा, उसके लिए क्या अच्छा, उसके लिए क्या अच्छा, उसके लिए क्या अच्छा। हम लोग तो सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा है और फिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप में से बड़े लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, आप सब सोचते हो मैं पैसा बनाऊंगा, जब बनता नहीं पैसा तो यूं करके मुंह अपना लड़का के आ जाते हैं। पर सोचते हैं कि मुझे मालूम है, अगर सबको मालूम होता तो सभी खरबोंपति हो गए होते। कोशिश करते रहते हैं, दिखे फिर भी खाते हैं। पिता परमेश्वर को मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं। तो जो लोग उनके भाने में रहते हैं, उनकी रजा में रहते हैं, वो ही सुखी रहते हैं, उन्हीं के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी रहती है। उदासी उन लोगों के मुंह पर रहती है जो जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। और जिंदगी से मायूस हमने होना नहीं, क्यों? क्योंकि आप सब उल्लास नगर में रहते हो, सो यू हैव टू बी लुकिंग फॉरवर्ड, यू हैव टू बी पॉजिटिव। हर एक चीज में अच्छाई अच्छाई है अगर हमारा नजरिया करेक्ट होगा। इसीलिए बार 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 समझाया जाता है कि हमारी समझ सही हो। प्रभु से प्रार्थना करें कि ये जो बुद्धि दी है मन के साथ, इसको सही रखो। ये समझ अगर सही होगी तो विचार आपके सही होंगे, अगर विचार सही होंगे तो आपके बोल सही होंगे, और अगर बोल सही होंगे तो आपके कार्य सही होंगे। तो प्रभु से प्रार्थना ये हो कि समझ हमारी सही रहे। समझ सही क्या है? कि एक पिता परमेश्वर है, उसकी सृष्टि रची हुई है, सब कुछ उसके भाने में होता है। उसी ने ये धरती बनाई, उसी ने ये आसमां बनाया, उसी ने सितारे बनाए, उसी ने चंद्रमा बनाया, उसी ने सूर्य बनाया, उसी ने और भी गैलेक्सीज बनाई हैं, और उसी ने ये सब कुछ बनाया। हम लोग इस धरती पर रहकर जो इस धरती की चीजों की जानकारी हमें देते हैं, हम उनको बहुत सोचते हैं इनको बड़ी समझ है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इतने स्मार्ट लोगों को जिसने बनाया उसकी क्या स्मार्टनेस होगी। ये अपने आप तो नहीं ना आ गए इधर, इन सबको तो पिता परमेश्वर ने बनाया है। वो जो बेस्ट पेंटर है उसको भी उसने बनाया, बेस्ट कंप्यूटर वाले को भी बनाया, ये एडिसन जिसने ये इलेक्ट्रिसिटी निकाली उसको भी उसने बनाया, और तरह तरह के इन्वेंशन, वो जो राइट ब्रदर्स है जिन्होंने हवाई जहाज पहली बार उड़ाया उनको भी उसी ने बनाया। तो वो उसकी समझ क्या होगी? ये हम लोगों की समझ से बाहर है।